छोड़ जला दियो तूने। ठीक तो हो गया लेकिन स्कैल्प जला दियो। डिंग 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 डिंग। अरे पीछे दादू भी दिख रहे हैं। हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ कोनी पाठक और मैं हूँ मिनी पाठक। तो अभी शादी है, उसके लिए तैयार हो रहे हैं। इसको बोला मेरे हाथ नहीं पहुँचे, थोड़े बाल सेट कर दे। असल में मैं खुद ही वो किसी बात की डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट से रेडी होते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है। अभी थोड़ा मैस है, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, लड़कियां हैं और एक मम्मी भी है, तो फटाफट तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हमारी तैयारी कुछ ऐसी चल रही है शादी की। यहाँ हो रही है कोनी के बालों की सेटिंग, और एक और चीज आपको दिखाती हूँ। यहाँ हो रही है दद्दू के मूंछों की सेटिंग, वो भी खड़ी कर दी इन्होंने मूंछें अपनी। और पता है इनको ना यहाँ सब लोग कैसे जान रहे हैं, मूंछों वाले दामाद। और मम्मी तो तैयार होके बैठी है। ये नहीं मम्मी, रूम थोड़ा सा मैश हो रहा है क्योंकि हम लोग रेडी हो रहे हैं। मैं हूँ तैयार, और आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम्हें भी दिखाना चाहती हूँ मैं। ये हो गई है दीदी तैयार दुल्हनिया सी बनके। तो आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ना लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है। लाइव जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, कुमाऊनी प्रोग्राम, और खुशी दी आने वाली है। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, जो लोग पहाड़ी हैं उन्होंने उनको पता होगा ये गाना। तो वो आई हैं और उनसे भी मिलेंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है, अभी देखते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, ठंडी बहुत हो रही है, तो कुछ देर थोड़ी सी शो ऑफ करके, थोड़ा बहुत शो ऑफ करके मैं पैक होने वाली हूँ बस। और कल तक तो मैंने बहुत सोच समझ के वेलवेट वगैरह पहना था, तो आज थोड़ा सा हैवी, थोड़ा चमक धमक दिखाने के चक्कर में ठंडी का सामना करना पड़ रहा, बताइए। ये देखिए भाई, ये हमारे क्या बोलते हैं उसको जो बारात निभाते हैं लड़के, ये सब तैयार हो रहे हैं, टाई वाई बांध रहे हैं। हेलो गाइस, ये बेचारी सबसे लेट लतीफ है। जवाई जी अपनी सासू माँ के साथ, स्माइल देख रहे हो, यहाँ गाल से भी इतने पार गई है। बाय द वे दोनों का लुक दिखाती हूँ। ये जो बाय द वे जो स्वेटर पहनी है ना जवाई जी ने, सासू माँ ने बनाई है। देखो ऐसे कुछ दिख रहे हैं। ये क्या होता है? मशक बीन। ओके सॉरी, मैंने कंफ्यूज हो रहा था। और यहाँ पे सब ये ढोल और दमों जो भी उनको गर्म कर रहे हैं, है ना, गर्म करके ज्यादा अच्छा बचता है। आप लोग सब पिथौरागढ़ से आए हो? गंगोलीहाट से। ओके, इनकी शादी में भी आप लोगों में से तीन चार लोग आए थे, लेकिन वो आज से 6-7 साल पहले की बात है। ये सब गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, अब बजेगा बढ़िया वाला। दद्दू अपनी शादी की मेमोरीज जो है रिक्रिएट कर रहे हैं। तो इनकी शादी में भी छोले आए थे ना, इनमें से 3-4 लोग थे, तो उनकी फोटो देख देख के वो याद कर रहे हैं कि कौन कौन था। और चलिए देर किस बात की, शुभारंभ करते हैं, ठुमके लगाते हैं, बारात लेके चलते हैं दुल्हन के पास। तो जी यहाँ पे चल रहा है लाइव प्रोग्राम। ये गोविंद डिगारी जी हैं, जो कि खुशी दी के हस्बैंड भी हैं और फोक सिंगर भी हैं, वो गा रहे हैं गाना। चाउमीन बोलना भली लगी रे, तेरे कोई मुखड़ी
बड़े लंबे अरसे बाद ऐसे लाइव गाना सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। चलिए झटपट से आपको दिखाती हूँ बारात की तैयारी। बहुत अच्छी फीलिंग है कि आपका किया हुआ काम ऐसे दिख रहा है। आहा, मजा आ गया। और ये पहली बार हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेस हुआ, अच्छा लग रहा है दद्दू। और भी एक चीज दिखाती हूँ, आ जाओ। ये देखिए, ये भी मैंने बनाया। क्यों ना? कोनी ने? कोनी कौन है? कोनी पाठक धर्मगर। चलो फोटो खींचते हैं। कोनी का मिनी ब्लॉग। तो जी ये कुछ ऐसा लग रहा है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए कितना प्यारा। हाँ जी, हेलो हेलो, हाथ हिलाओ, बाराती हो तुम, आज तड़ी से घूमो। हाँ, वाह, हाय, फोटोग्राफी हो रही है। दीदा एक मिनट, भाई खींचने तो नहीं खींची उनकी, सिंगल क्यों खींच गए शादी के बाद? तो बीवी है नहीं तो दद्दू को सिंगल क्यों खींचने को देनी है? कोने का मिनी ब्लॉग, फटाफट कर। तुम भैया मैं दिखाओ कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मेरे को कोई पूछ ही नहीं। गजब, ऑसम, सबकी कैमरामैन बनी। और ना अब इन बहादुर भैया से मिली है, जो कि सारे कामों में हम सबकी हेल्प कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि ऐसी शादी उन्होंने आज पहली बार देखी और कितने एक्साइटेड हैं। फर्स्ट बार क्या बारात देख रहे हो? मजा आ रहा है? खाना पीना खाया? ठीक है, डन। हेलो, एक और ऐसी रहना का चेहरा भी नहीं ला रहे। हेलो, यहाँ पे चल रहा है पहाड़ी कॉन्सर्ट, यहाँ पे चलिए। कौन है? आपने पहचाना नहीं अभी तक? चलो शुक्रिया, अच्छी अच्छा चीज, अच्छा चीज कैप्चर। वो कहाँ है, उसको लेके आए नहीं? पहले बताओ, पहले ये बताओ वो कहाँ है? वो बाबरी तो ठंड में कैसे लाती है? आप उसको नहीं लेके आए? और अब मम्मी मिलने जा रही है खुशी दी से। बैठी तो है वहाँ पे, वो रही, वो रही। अब मम्मी हाय। हेलो हेलो, धन्यवाद, ये ढेर सारी बधाई पूरे परिवार को और दोनों परिवारों को आज के इस खूबसूरत दिन की। सो आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो कि कुछ टाइम पहले तक मैं भी म्यूज़िक फिल्म में काम करती थी, तो खुशी दी को के साथ मेरी उस तरह से जान पहचान है। तो मेरी फैमिली भी उन्हें बहुत अच्छे से जानती है, मम्मी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। बहुत लंबे वक्त बाद आज उनसे मुलाकात हुई। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बट अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। बाकी वो अपना प्रोग्राम कर रहे थे और मैं शादी में बिजी थी, बहुत सारी बातें नहीं हुई, बट जितनी भी हुई प्यारी हुई। एंड खुशी दी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, तो जल्दी जल्दी मुझे वैदू से मिलाओ यार। तो जी खुशी दी और हमारे जीजू से मिल लिया हम। एक्चुअली मैं भी ना ये प्रोग्राम्स वगैरह करती थी, तो हम मिलते रहते थे। हाँ, इनकी फोटो खींचनी है, बट हाँ बताओ बताओ। इनकी फोटो खींचनी है अभी, एक्चुअली हम दोनों की फोटो नहीं हुई जल्दीबाजी में। अभी बारात आ रही है ऊपर से नीचे, तो वो करते हैं, फिर उनसे अच्छे से इत्मीनान से मिलेंगे। चल पड़े हैं बारात लेके। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, मैं मिली किरिम पौडेरा कसके लगू मैं वाला, ये जो गाना है उसके मेल सिंगर से, उनके साथ मैंने डांस भी किया। कौशल भैया जो कि भाभी के भैया, उन्होंने इस दिन को बहुत खास बनाया, कैसे मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीजें हुई जो कि आपको डिटेल में बतानी है, अगर इस व्लॉग में ऐड करूंगी तो लेंथी हो जाएगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, मैं घर वापस आ चुकी हूँ,
पीछे से मिठू रानी का बहुत शोर आ रहा है, मिठू को मैं चुप नहीं करा सकती, तो ऐसे मैंने कहा कि चलिए इस शोर में ही वॉइस ओवर कर देते हैं। तो आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मिस मत कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा तब तक, और सुरक्षित रहिएगा, और सबसे ज़रूरी बात ये कि मुस्कुराते रहिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। टाटा।